ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा जी, आवाज आ रही है बच्चा मेरी? ओके जी, देर इज वन बर्थडे गर्ल टुडे ना, है ना? वेर इज सेवेंथ ही? सेवेंथ ही दिख नहीं रही सर मेरे, है ना? इन क्लास सेवेंथ ही, देर इज वन बर्थडे गर्ल, है ना? आगे आना बेटा जरा। वाओ, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, हैप्पी बर्थडे बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। बहुत प्यारे लग रहे हो आप, आपकी आवाज ने अब आई है, बहुत प्यारे लग रहे हो, है ना? आपको रोजेस भी मिल गए ना मैम से यस मैम। बैग में भी डाल लिए चलो आई थिंक सबको मिलते होंगे ना आपके स्कूल में, जिसका बर्थडे है मैम ने पर्सनली दिया है। बताइए, मैम ने अपनी तरफ से दी? पर्सनली दिए हैं। वाओ, स्पेशल स्टूडेंट हो इसका मतलब आप वेरी गुड। चलो आज तो फिर आपसे ज्यादा सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एज अ गिफ्ट, है ना? ठीक है आपका बर्थडे गिफ्ट आज का, खूब सारे क्वेश्चंस, ठीक है? चलो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। चलिए, कोई और भी है बर्थडे वाला? मुझे ना दिख रहा हो इन एनी अदर सेक्शन? चलिए करें काम स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम बर्थडे गर्ल से ही पूछते हैं। चलें बेटा स्टार्ट करें आज का। चलिए अब आप मुझे ये बताइए, आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हो इस चैप्टर में? आज आपके अकॉर्डिंग हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, विच टॉपिक यू वॉन्ट टू स्टार्ट? एक्टिविटी हल्दी हल्दी वाली एक्टिविटी? ओ माय गॉड, मैं एक मिनट बाहर इन्फॉर्म कर देती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाती हूँ आपको। श्योर? ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स देन। ठीक है जी, चलिए बैठिए आप अपनी सीट पे, मेरे को फिर 1 मिनट दो, आई एम जस्ट कमिंग। ओके, ओके बेटा आई जस्ट इन्फॉर्म द स्टाफ, अगर बन जाता है, रेडी हो जाता है तो मैं आपको देती हूँ, दिखाती हूँ। ठीक है बच्चे, यू आर वेटिंग फॉर द एक्टिविटी? यस ओके चलिए, तैयार
काम स्टार्ट फिलहाल? चलिए यस ओके, चलो पहले मुझे ये बताओ, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड? कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। एंड विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? एसिटिक ओके, इन दोनों में से, विनेगर और कर्ड में से, दोनों में से नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? नेचुरल मीन्स जो सब्सटेंस हमें नेचर से मिलता है, राइट? तो दोनों में से नेचुरल कौन सा है, या दोनों ही नेचुरल? कर्ड कर्ड विनेगर नेचुरल नहीं है? विनेगर नेचुरल नहीं है? दोनों नेचुरल है। दोनों नेचुरल हैं, ओके। बेसिकली कर्ड इज नेचुरल, विनेगर नेचुरल नहीं है बेटा। विनेगर हमारा एक केमिकल सब्सटेंस से बनता है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। विनेगर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड हमें नेचर से नहीं मिल रहा है, वो हमारा प्रिपेयर किया जा रहा है इन द लैब, राइट बेटा? जो हमारे लैब्स में एसिड या बेसिस प्रिपेयर किए जाते हैं, दे आर नॉट नेचुरल। हम खाने में यूज करते हैं, यूज होता है, डायरेक्ट एसिटिक एसिड यूज नहीं करते हैं हम खाने में भी। खाने में कैसे यूज होता है पता है आपको? खाने में कैसे यूज होता होगा, कौन बताएगा? क्या आप नींबू पानी को, नींबू का जो चूस करके जूस निकलता है उसको डायरेक्ट पी मैम, लेते इन डाइल्यूटेड फॉर्म। हैं? इन डाइल्यूटेड फॉर्म। एसिटिक एसिड जैसे कि लेमन जूस होता है ना हमारा, उसको भी हम डायरेक्ट थोड़ी पीते हैं। हम ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे बहुत सारा, है ना, फिर इसके अंदर लेमन ड्रॉप, लेमन जूस की ड्रॉप डालेंगे, ऐसे करेंगे ना उसको, ठीक है? एसिटिक एसिड जो हमारा एज अ विनेगर यूज होता है, घरों में यूज करते हैं ना विनेगर, जिसको हिंदी में हम सिरका भी बोलते हैं, ठीक है, सिरका बोलते हैं, राइट? ठीक है बच्चे, सिरका बोलते हैं। पेपर क्लियर कर दिया, एक और दो मिनट लीजिएगा, ठीक है बेटा। एसिटिक एसिड, विनेगर, और इसको हम सिरका भी बोलते हैं। और ये विनेगर में होता क्या है, विनेगर में बहुत सारा तो पानी होता है, नियरली 95% पानी होता है, 95% वाटर ही होता है, 95 to 99% तक वाटर ही होता है, रिमेनिंग होता है हमारा एसिटिक एसिड। कहने का मतलब ये है कि जब वाटर के अंदर एसिटिक एसिड डाला जाता है तब हम उसको विनेगर बोलते हैं। तो इसलिए हम विनेगर को यूज कर सकते हैं फॉर ईटिंग पर्पस, कंज्यूम कर सकते हैं, बट ये नेचुरल नहीं है, ठीक है बेटा? नेचुरल कौन सा है, जो हमारे मिल्क में, कर्ड में, फ्रूट में, वेजिटेबल्स में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं, दे आर नेचुरल, ठीक है बच्चे? चलिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू डू व्हाट? यस, वी आर गोइंग टू डू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, होता क्या है न्यूट्रलाइजेशन, कौन बताएगा? मैम, यस, व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सीलेंट। चलिए, ये तो आपने ठीक बताया मुझे, ठीक है, पर मतलब क्या, करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है न्यूट्रलाइजेशन करने की? पानी। हाँ जी बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ती है हमें? टू कंट्रोल हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी, वेरी गुड बेटा। कई बार क्या होता है, हमारी कुछ नेचर में जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है, हमें वो नहीं चाहिए होती, ना तो बहुत ज्यादा एसिड चीज चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा बेसिक चाहिए। तो उनके इफेक्ट को कम करने के लिए, अगर बहुत ज्यादा एसिड कोई चीज होगी है तो उसमें बेस को डाल देंगे, बेसिक होगी है तो उसमें एसिड को डाल देंगे, ठीक है? जैसे कि अगर पानी के अंदर सपोज करो मीठा ज्यादा हो गया, आपने चीनी घोली और मीठा ज्यादा हो गया, तो क्या करोगे, और पानी डाल दोगे। समझ आया, क्लियर हुआ?
तो उससे क्या हो जाएगा, मीठापन जो पानी का वो आपको कम फील होगा, या खट्टा ज्यादा हो गया तो और पानी ऐड कर दिया तो खट्टा कम फील होगा। समझ आई ये चीज? तो इसी तरीके से जब हम एसिड के अंदर बेस डाल दें या बेस के अंदर हम एसिड को ऐड कर दें तो उन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो बन जाता है हमारा न्यूट्रल। फिर हम उसको बोलते हैं कि वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, वो इफेक्ट क्या हो गया हमारा? न्यूट्रल। ठीक है, हमारा जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है दैट इज ऑल्सो नियरली न्यूट्रल। पूरा न्यूट्रल नहीं है बट ऑलमोस्ट इट इज न्यूट्रल। ठीक है, समझ आई ये चीज? Yes. लाइट को कर लेंगे ठीक है। चलिए अब थोड़े से पहले एग्जांपल देखते हैं केमिकल पार्ट्स पे, इसके बाद में आएंगे कि हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रल रिएक्शन कहाँ यूज होता है। इसको रद्द कर देना, ये करते सही था ना, सही थी। चलाना थोड़ा, ठीक है बच्चे। चलिए, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो दिस इज द डायग्राम पिक्चर ऑफ आवर माउथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टीथ दिख रहे हैं, ये वाइट वाइट सारे सुंदर सुंदर से टीथ हैं, जिनके ऊपर किसने अटैक कर दिया? किसने अटैक कर दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स ने, बैक्टीरिया ने, जिनको हम क्या बोलते, सूखने दो, थोड़ा और डार्क हो, मैं भी डार्क डार्क कर रही। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक्ट कर दिया, जिनको हम जर्म्स, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकते हैं, वो उनको सबको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एसिड इन आवर माउथ। ठीक है, आप सबने फील किया होगा जब आप ब्रश करते हो मॉर्निंग में, आपको माउथ में काफी फ्रेशनेस लगती है, अच्छा अच्छा लगता है ना? बट जैसे खाना पीना शुरू किया, दिन खत्म हुआ, रात हुई, तो वो फ्रेशनेस हमारे माउथ में नहीं रहती। रात को ब्रश कौन कौन करके सोता है आपको पता है ना? दो टाइम ब्रश करना चाहिए। हु ब्रश द टीथ एट नाइट, सोने से पहले? वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं ये तो, मैक्सिमम बच्चे करते हैं। इट्स अ वेरी गुड हैबिट बेटा, आपको रात को ब्रश डेफिनेटली करना चाहिए। उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रात को बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हमारे माउथ में, क्योंकि रात को हमारे माउथ क्या होगा, बंद रहता है, तो उनको स्पेस बहुत अच्छे से मिल जाती है ग्रोथ करने के लिए। ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी मीन्स ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, और वो ज्यादा एसिड हमारे टीथ को क्या करता रहेगा, खाता रहेगा, रात को क्रोड कर देगा। ठीक है, समझ आए? तो इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सब टूथपेस्ट यूज करते हो? ठीक है, अब एसिड को कौन कंट्रोल करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस। इट मींस जो टूथपेस्ट है उनमें क्या प्रेजेंट है, बेस। राइट? तो हम टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है, और हमारे माउथ की एसिडिक नेचर को वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। खत्म करता है टाइम बीइंग के लिए, मतलब 2 3 4 घंटे के लिए कम कर देता है, फिर क्या कर देता है, फिर स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ। बट ये नहीं है ना, हम सारा दिन ब्रश करते रहेंगे, तो इट इज एडवाइज कि हम जितनी बार भी कुछ खाते पीते हैं तो आफ्टर ईटिंग यू मस्ट रिंस योर माउथ लाइक प्रॉपरली, बहुत अच्छे से अपने माउथ को रिंस करो। ठीक है, क्योंकि एवरी टाइम ब्रशिंग इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? चलिए, ये सबको समझ आया एक पार्ट? चलिए, Yes. ओके जी, वेरी गुड। चलिए, ये देख रहे हो आप, नाउ व्हाट इज दिस? स्टमक। दिस इज द आर स्टमक। ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारी बॉडी के अंदर, राइट? अब क्या कर रहे हैं, अब ये स्टमक के अंदर ना बेटा, ये देखो, ये सारा जो रेडिश रेडिश पार्ट दिख रहा है ना आपको, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। अगर अभी मेरे पास HCl पड़ा हो और वो कहीं फ्लोर के ऊपर गिर जाए तो फ्लोर भी वहां से जल जाएगा,
मार्बल का फ्लोर डेफिनेटली जल जाएगा, इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारे स्टमक में वो कैसे स्टे कर रहे हैं? वही वाला सेम एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, ये रादर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर एंड वाटर इज लेस। वाटर होता ही नहीं है बेटा, वाटर इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल। जैसे आपने नींबू का जूस, नींबू स्क्वीज किया, मौसमी किन्नू जो हम सर्दियों में लेते हैं, हमने उनको स्क्वीज किया, जूस निकला, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड। जब हमने उसमें पानी डाल दिया तब वो बन जाएगा डाइल्यूट। ठीक है, समझ आई बेटा? लेमन जूस स्क्वीज किया, 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी निकला, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड। वैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। अब ये अच्छा, फिर हमारा स्टमक प्रोटेक्ट कैसे हो रहा है? इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक के अंदर है, देन हाउ आर स्टमक इज एबल टू होल्ड दिस स्ट्रॉन्ग एसिड? मैम, यस, बिकॉज द एसिड इन स्टमक इज इन डाइल्यूटेड फॉर्म। नो, इट इज इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। मैम, आर स्टमक हैज अ लेयर ऑफ बेस। लेयर ऑफ बेस? नो, फिर तो न्यूट्रलाइज होता जाएगा। हमारे स्टमक के अंदर डेफिनेटली एक लेयर होती है, दैट लेयर इज कंसिस्ट ऑफ, यस, किसकी बनी होती है वो लेयर? म्यूकस की। जो मैंने लेयर बनाई है, एक ही म्यूकस की एक लेयर होती है। जैसे आप रेनकोट पहन लो तो पानी अंदर नहीं ना जाएगा, कपड़े सूखे रहेंगे, एक वो लेयर है ना। इसी तरीके से स्टमक के बाहर बाहर एक अंदर की तरफ एक लेयर होती है, जिसके कारण जो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे स्टमक को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर? अब देखो, नाउ अगर इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए, फिर क्या होगा? हम इनडाइजेशन। अगर एसिड ज्यादा हो जाए, एसिड मोर हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी, या हम सिंपल टर्म में इनडाइजेशन भी बोल सकते हैं। हाइपर एसिडिटी भी ठीक है। अब एसिड बढ़ गया है, अब उसको नीचे कौन लाएगा? हमें उस एसिड को करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज मतलब उसको अपने लेवल पर ही लाना पड़ेगा हमें। तो बेस हमें फिर खाना क्या पड़ेगा? हमें कुछ बेस लेने पड़ेंगे। अब वो बेस कौन से होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ, मैग्नीशिया। इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स भी होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, इनो सॉल्ट। आई थिंक सबने सुन रखा है इनो का, कल भी मैंने बताया था। ठीक है, इसके अंदर काफी कुछ बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, दैट आई कांट टेल यू राइट नाउ कौन कौन से सॉल्ट है। अदरवाइज हम और क्या लेते हैं? बेकिंग सोडा, घर में सुना है? किस किस किसने सुन रखा है बेकिंग सोडा? सबने, है ना? केक सबके घर बनता है बहुत ज्यादा। ठीक है, सबके घर बनता है। हैंड डाउन, ओके जी, चलिए। ठीक है, तो ये है हमारा बेकिंग सोडा, ये लिख लो बेटा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला इज NaHCO3, लिख लीजिए। और सेकेंड हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, और इसका फॉर्मूला हमने कल भी डिस्कस किया था, MgOH होल ट्वाइस। हो गया बच्चे नोट? चलें आगे। आगे है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन सॉइल ट्रीटमेंट। अब ये देखो, प्लांट्स कितने बढ़िया से लगे हुए हैं, है ना? ये प्लांट्स अच्छे से क्यों लगे हैं? क्योंकि जो यहाँ पर सॉइल की जो नेचर है, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉइल में हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं।
क्या होगा अगर एक सॉइल एसिडिक हो जाए और एक सॉइल बेसिक हो जाए? ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ वन सॉइल विल बिकम मोर एसिडिक एंड वन विल बिकम बेसिक? सपोज करो जो इस साइड वाली सॉइल थी वो एसिडिक हो गई है ड्यू टू सम रीजन, कोई भी कारण हो सकता है एसिडिक होने का, तो वो एसिडिक हो गई है, क्या अब यहाँ पर प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे? नो, उस एसिडिक सॉइल को हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? न्यूट्रल तो न्यूट्रल बनाने के लिए उसमें क्या डालना पड़ेगा हमें? क्विक बेस डालना पड़ेगा। लाइम बेस और उन बेस के नेम क्या हो सकते हैं? क्विक लाइम, कैल्शियम हाँ जी, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक लाइम इज कैल्शियम। हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। अब ये देखो कितना सिमिलर फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, अभी मैंने पीछे एक फॉर्मूला लिखा था ना, MgOH होल ट्वाइस लिखा था ना, यस। तो अगर आप इसको कैल्शियम, इसको अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हो तो इसको क्या बोलोगे नीचे वाले को? ठीक मैग्नीशियम है, इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अनदर नेम क्या है? हाइड्रोक्साइड। शाबाश, वेरी गुड। समझ आ गया बेटा ये सबको? यस। सॉइल हमारी बेसिक हो, किसी कारण से सॉइल बेसिक हो गई बहुत ज्यादा, तो अब उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। न्यूट्रल करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर? कुछ एसिड डालने पड़ेंगे। अब वो एसिड कौन से होने चाहिए हमारे, बताओ? हाँ, एनिमल वेस्ट, जो हम फर्टिलाइजर्स, वो जो मेन्योर्स यूज करते हैं, बेसिकली वो ऐड की जाती है। ठीक है, बेसिक सॉइल में क्या ऐड किया जाता है? एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, या फिर हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि हम उस सॉइल में मेन्योर ऐड करते हैं। ठीक है बच्चे, आई थिंक ये समझ आ गया सबको। अब लास्ट हमारा है, आपको पता है फैक्ट्रीज क्या करती हैं आजकल? अपना काम करते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, 7th D में से एनीवन, सो मेनी स्टूडेंट्स हैव रेज्ड द हैंड। न्यूट्रलाइज द फैक्ट्री वेस्ट विच कंटेन एसिड बाय स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, शाबाश। काफी कुछ बेस ऐड किया जा सकता है, बट क्या सभी फैक्ट्रीज ये चीजें फॉलो करती हैं? हमारा जो वाटर है ना बेटा, पोल्यूट होने का एक मेन रीजन क्या है? दीज फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज डू नॉट ट्रीट द वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज, करते नहीं है ट्रीट। ठीक है, अब अगर वेस्ट ट्रीट नहीं होगा, ट्रीट करने का मतलब है कि अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक वेस्ट है तो उसमें बेस डाल दें, उसको न्यूट्रल कर दें, फिर उसको पानी के अंदर डाल दें, फिर उनको वाटर बॉडीज में रिलीज कर दें। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, आपके पेट में इंडाइजेशन हुई तो आपने कैसे ट्रीट किया? बेस खाकर। ठीक है, ट्रीटमेंट का मतलब यही है, पानी के अंदर छोड़ने से पहले। जैसे कि ये फैक्ट्री का वेस्ट देखो, ये पानी के अंदर डाल रहे हैं, अगर इस वेस्ट को ट्रीट किया जाता, मतलब इस वेस्ट को पानी में रिलीज करने से पहले क्या किया जाता? कर दिया जाता, फिर हमारा वाटर पोल्यूट नहीं होता। नाउ सी, हेयर वी हैव टू फैक्ट्रीज, वन इज दिस फैक्ट्री एंड वन इज दिस फैक्ट्री। किस फैक्ट्री के पास आपको जो वाटर है वो क्लीन दिख रहा है? सेकंड ये वाली फैक्ट्री। फैक्ट्री में, सेकंड वाले केस में क्यों दिख रहे? क्योंकि ये जो वेस्ट रिलीज कर रहा है वो आफ्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, मतलब उस वाटर वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है वो पहले, एंड देन ही इज रिलीजिंग द वेस्ट इनटू वाटर। अब देखो क्या हुआ, जब वो उसने वेस्ट को पानी में रिलीज किया, अनट्रीटेड वेस्ट को, तो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ थी वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर हुआ? क्योंकि वेस्ट चला गया पानी के अंदर, वो सांस नहीं ले पाते, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, एंड दे स्टार्ट डाइंग। ठीक है, जो वेस्ट होता है ना, उसका उसकी एक लेयर बन जाती है पानी के ऊपर। पानी के ऊपर लेयर बनने का मतलब है पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है,
हम क्या ऑक्सीजन के बिना ब्रीथ कर लेंगे? नो सेम रीजन के कारण एक्वेटिक लाइफ सारी हमारी डिस्टर्ब हो रही है. सो मेनी रीजन, ठीक है. उसके बाद ये वाले फैक्ट्री ने क्या किया, ये देखो, ये सब एसिड वेस्ट सब कुछ था. इस वाली फैक्ट्री ने क्या किया, वेस्ट वाटर के अंदर कुछ बेस को ऐड किया. बेस को ऐड करने से ये जो वाटर था या वेस्ट था वो क्या हो गया हमारा, अब जब न्यूट्रलाइज। उन्होंने अब उस पानी को जब वाटर बॉडी में रिलीज किया तो देखो पॉन्ड वाटर कितना क्लीन है, अभी भी बिल्कुल ब्लू दिख रहे हैं. तो हमें वाटर को क्लीन करके, वेस्ट को ट्रीट करके ही वाटर बॉडीज में, फैक्ट्रीज को रिलीज करना चाहिए. हम तो नहीं कर सकते, खैर फैक्ट्रीज को ऐसे करना चाहिए. ठीक है बच्चे, हो गया. सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स इन डे टू डे लाइफ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ वी कम टू द वर्कशीट. थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस एंड दे ब्रेक हाँ, द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ने वाटर, ठीक वाटर। है. व्हेन एसिड, कोई भी एसिड जब किसी बेस के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या रिलीज करेगा, क्या सॉल्ट बना एंड देगा? वाटर। सॉल्ट एंड सॉल्ट वाटर। एंड वाटर, ठीक है. अब कोई भी एसिड हो सकता है. कितने सारे आपने एसिड्स पढ़े हैं ना, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इट कैन बी एनी एसिड. बहुत सारे बेस पढ़े. अभी आपने कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. कौन कौन से बेस पढ़े, मैं फॉर्मूला लिखूं तो पहचान जाओगे मैंने ये कौन से बेस का फॉर्मूला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा बेस है? कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड. विच बेस इज दिस? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। कम हो गया वॉल्यूम इस वाले फॉर्मूला में. नाउ व्हाट इज दिस? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गुड. एंड वॉट इज दिस? NaHCO3. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. वेरी गुड. तो ये सब हमारे बेस होते हैं, ठीक है. अच्छा, ऐसे ही हम एक बार एसिड को देखें, HCl. दिस इज द सोडियम हाइड्रोजन, CO3 स्टैंड फॉर कार्बोनेट. जिसको नहीं याद रहेगा या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो लिख लो बेटा साथ साथ में. दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. आई एम गिविंग यू 1 मिनट, यू कैन नोट इट डाउन. आवाज नहीं आ रही, कौन सा सेक्शन ने कहा? सी को भी नहीं आ रही, मैम डी को भी नहीं आ रही, जी को भी नहीं आ रही मैम. जस्ट अ मिनट, रुको, देख लेते हैं. भी नहीं आ रही। योर वॉइस इज नॉट कमिंग. एम आई ऑडिबल नाउ? नो. जस्ट अ यहां पे रखते हैं. हाँ जी बेटा, देखो आवाज आ रही है मेरी यहाँ. मैम कम आ रही है, बहुत ज्यादा कम आ रही है, कम आ रही है. कम ओके. रही पहले ठीक आ रही थी, अभी कम आने लगी है. मैम। ये अच्छा, पहले ठीक, अभी मेरे को रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो आप? कम आ रही है. चलो मैं देखती हूँ. इतनी देर आप इतनी देर नोट करो, ये जल्दी से बेसिस के फॉर्मूला सब नोट करो जल्दी से फटाफट. फॉर्मूला मैम ये नहीं करूंगा। आप जल्दी से देखिए. हमारा काम ना हो
चलिए बेटा आप एक बार एक्टिविटी देख लो। वो पेपर ना फिर वो हो रहा है खराब ना। मेरी आवाज आ रही है पर ये पहले बताओ सबको, एम आई ऑडिबल? ये देखो बेटा, ये टर्मरिक का स्टेन लगाया था मैंने, जल्दीबाजी में किया तो प्रॉपर नहीं हो पाया बहुत ज्यादा। तो देखो ये मैंने थोड़ा टेस्ट किया, देखो रेड कलर का दिख रहा है थोड़ा सा। ये मैंने सोप सॉल्यूशन लिया हुआ है टिश्यू के ऊपर, अभी हम आपके सामने भी करके देखते हैं। ये देखो रेड कलर का स्टेन दिखा, और देखो हो रहा है ना रेड। जो मेरे कॉटन पर कुछ भी जो लगा हुआ है वो सब्सटेंस क्या होगा? इस टर्मरिक एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है जो ये बताता है अगर ये रेड हो गई, नाउ इट टर्न्स रेड, इट मींस ये सब्सटेंस क्या है मेरा। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा ये सोप सॉल्यूशन ही था शायद ये। देखो ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरे पास ना लेमन वाटर पड़ा है। देखो मैंने फिंगर से ही लगाया थोड़ा सा लेकर, देखो नहीं हो रहा ना नो टर्न, नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ये क्या है, लेमन जूस था, इसमें मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है दिख रहा है? तो ये लेमन जूस था जिसने टर्मरिक के कलर को चेंज नहीं किया, वो अभी भी येलो ही है। तो बेस ने टर्मरिक को रेड कर दिया और एसिड ने चेंज नहीं किया, तो दैट इज व्हाई टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच टेल्स अस विच सब्सटेंस इज एसिड और विच सब्सटेंस इज बेस। कोई भी चीज अगर इसको रेड कर देगी टर्मरिक स्टेन को तो वो सब्सटेंस हमारा होगा बेस। कोई भी सब्सटेंस अगर इस टर्मरिक स्टेन को एज इट इज रहने देगा, येलो ही रहने देगा, तो वो सब्सटेंस होगा। ओके नाउ माय बर्थडे गर्ल इज हैप्पी। व्हाट इज योर नेम बेटा? मैंने नाम भी नहीं पूछा आपका। यस नाम क्या है बेटा आपका? माय नेम इज महक। महक। ओके जी वेरी गुड। तो आपके लिए हो गई अब एक्टिविटी? चलिए यस मैम। ओके बेटा, चलिए सीट पर। नाउ करें आगे अब काम। अभी मेरी आवाज क्लियर है सभी को? चलो वेरी गुड। तो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और जिसमें एसिड और बेस कंबाइन होकर सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो दीज आर द बेसिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है पहले आगे आप वर्कशीट निकालो बेटा, साथ साथ में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट रेज योर हैंड्स जिसको आंसर आता है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? चलिए फ्रॉम सेवेंथ जी, हु विल टेल मी? सेवेंथ जी, क्या दिशांत का हैंड रेज है? मैम डिड यू सेट दिशांत? यस बेटा दिशांत। ओके डी। डी, यू आर सेइंग एसिड प्लस बेस गिव बेस एंड सॉल्ट,
एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वॉटर. लुक एट दिस ऑप्शन बेटा, विच इज दिस ऑप्शन? सी सी. वेरी गुड, सी सी इज द राइट आंसर बेटा, सी इज द राइट आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. सोनू ओवर इट्स एट अ फैमिली फंक्शन एंड स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन ड्यू टू एसिडिटी. ज्यादा खा लिया उसने, है ना, और अब उसको क्या हो गई? इनडाइजेशन हो गई. वॉट रेमेडी यू विल प्रोवाइड टू सोनू? ओके, सेवेंथ डी. मैं डी ऑप्शन है, मैंने सेक्शन बोला था वैसे, सेवेंथ डी. ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन. गिव हिम ऑरेंज जूस, गिव हिम बेकिंग सोडा, गिव हिम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और बोथ बी एंड सी कैन बी गिवन. एसिडिटी हो गई तो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या देना पड़ेगा उनको? बेस देना पड़ेगा. ठीक है जी, आगे आ जाइए. हाँ जी, 13th क्वेश्चन. एसिड प्लस डैश, अब आपको क्या बोल रहे हैं? एसिड प्लस डैश गिव्स डैश प्लस वॉटर. मैम बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर बेटा. वही क्वेश्चन आपके पास घूम घूम कर आएगा, बस आपको वे समझ आना चाहिए कि किस किस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. सेवेंथ सी में से मुझे कौन बताएगा? सेवेंथ सी, मैम कहना है सिमरन. सेवन सी सिमरन, मैं ऑप्शन ए ऑप्शन. ओके ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश. चले आगे. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ. सेवेंथ बी जुगराज, सेवेंथ बी जुगराज. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ फिजिकल एंड जुगराज. हु इज जुगराज? आराम से बेटा, ध्यान से पढ़ लो एक बार, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है, आराम से रीड करो एक बार क्वेश्चन को. फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, अ फिजिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, इट्स अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, और द केमिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप में से किस किस को पता है रिवर्स्ड का क्या मतलब है? What do you mean by reversed? Okay, काफी बच्चों को पता है फिर भी. बैकवर्ड, बैकवर्ड, वेरी गुड. मतलब क्या है कि अगर आपको एसिड और बेस को कंबाइन करने से सॉल्ट एंड वॉटर मिल रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सॉल्ट प्लस वॉटर को मिक्स करो और आपको एसिड और बेस मिल जाए? ये नहीं पॉसिबल. रिवर्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब अगर मैं ऐसे जाऊं तो ये चीज पॉसिबल नहीं है. तो इट इज, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स होना. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन. फिर हम कार पे पहुंचते हैं ना, कार में रिवर्स गियर डाला तो कार आगे जाने की जगह पीछे जाने लग जाती है, तो कार में पॉसिबिलिटी है पीछे आने की, बट रिएक्शन में वापस जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, एंड मोर ओवर दिस इज ऑलवेज अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज में हम पढ़ते हैं कि हमें क्या मिलता है, एक न्यू सब्सटेंस मिलता है. तो यहां पर हमें एसिड और बेस से दो नए सब्सटेंस मिले, सॉल्ट एंड वॉटर. एंड वेन वी आर गेटिंग न्यू सब्सटेंसेस, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. ठीक है बेटा, समझ आया? सो विच विल बी द राइट ऑप्शन? यस, वेरी गुड, डी, शाबाश. नाउ 17th इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे न्यूट्रलाइजेशन में? यस, सेवेंथ जी, सॉल्ट एंड वाटर. ओके जी, ओके ओके, सॉल्ट एंड वाटर राइट ऑप्शन इज सी. नाउ द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वॉटर,
हमारे पास कौन सा तरीका है? हम एसिड को हमने डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब कि एसिड और पानी को मिक्स करना है। जी, अच्छा अगर मैं दिस द राइट ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश। बट मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एसिड पहले ले लूं, आपकी फिर से आवाज कम आ रही है मैम, आपकी आवाज कम आ रही है। फिर से कम हो गई? यस यस, अभी मैं जब आपके सामने फेस करके बोल रही हूँ तब ठीक आ रही है? नो नो, ओके। अभी क्या करें, एक मिनट, अपने आप ही ठीक हो गई थी बेटा पहले भी। मे भी कोई नेटवर्क इश्यू ना आ रहा हो कनेक्टिविटी का। चलो एक काम करो, जितनी जो आवाज आ रही है अभी, क्वेश्चन नंबर ट्राई करो आप साथ साथ में। 18 तो आप कर ही लोगे। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर ट्राई करना है assertion reason का। 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन एंड हमारी केस स्टडी, ठीक है? 26 क्वेश्चन और केस स्टडी। जिसको भी मेरी आवाज आ रही है, चाहे थोड़ी सी आ रही है, एक बार आप करना स्टार्ट करो, मे बी करेक्ट हो जाए, वॉइस आने लग जाए प्रॉपरली, ठीक है? चलिए, 18th का राइट आंसर इज बी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज कौन कौन से सेक्शन में? बिल्कुल भी नहीं, मतलब जस्ट थोड़ी थोड़ी आ रही है। मैम सेवेंथ सी, मैम सेवेंथ एफ, सेवेंथ जी, सेवेंथ सी, सेवेंथ डी, किसी में भी नहीं आ रही। तीन सेक्शंस में आ रही है आई थिंक मेरी आवाज क्लियर, और तीन में नहीं आ रही है ना। हाँ जी बेटा, अभी देखो आवाज थोड़ी ठीक हुई। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, राइट आंसर इज बी। एम आई ऑडिबल नाउ? चलिए ठीक है। द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज, हम एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते बेटा, क्यों नहीं डालते? मेरे पास ये मेरे पास एसिड है और इसके अंदर मैं वाटर ऐड अगर करूं तो ये वाला जो मेथड है मेरा गलत है। द रीजन बीइंग इज, कोई सेइंग फ्रॉम सेवेंथ डी? यस यस बेटा, यू कैन स्पीक बेटा, कम फास्ट। ओके बेटा, आंसर बताइए। मैम बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय द थिंग्स अराउंड इट, डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि बेटा जब एसिड के अंदर पानी डाला जाता है ना तो हीट प्रोड्यूस होती है, इट विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, इतनी ज्यादा हीट होती है कि जो ये एसिड है ना स्प्लैश होकर बाहर आ जाएगा सा। मैम इट कैन कॉज ब्लास्ट। हाँ, इवन इट कैन कॉज ब्लास्ट अगर यहाँ पर जो एसिड है वो हमारा मैम एक्सप्लोजन। यस, ब्लास्ट, एक्सप्लोजन सब एक ही रिलेटेड है, ठीक है? इट कैन एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्यों हुआ? क्योंकि हीट इतनी ज्यादा थी कि सारा एसिड उछल कर बाहर आ गया और कंटेनर हमारा ब्रेक हो गया ड्यू टू एक्सप्लोजन, ठीक है जी? तो ये तरीका नहीं यूज करते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, पहले वाटर लेंगे, हमारे पास हम क्या लेंगे, पहले वाटर लेंगे और उसके अंदर हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करेंगे। अभी भी इकट्ठा नहीं करना कि बॉटल उठाई चल भाई पानी के अंदर, ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे ड्रॉपर से एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप ऐसे मिक्स करना, ठीक है? एंड डोंट बी नोटी, अगर स्कूल में करवाते हैं एक्सपेरिमेंट, अभी तो नहीं होगा, खैर सेवेंथ क्लास में आप बहुत छोटे हो, मे बी लेटर ऑन टेंथ क्लास में आपके पास ये टॉपिक फिर से आएगा न्यूट्रलाइजेशन का, ठीक है? फिर पढ़ोगे। चलिए अभी क्वेश्चन देखिए जरा, एजर्शन रीजन में आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। एजर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 26, 23rd भी है बेटा, चलो 26 कर लो पहले।
assertion is tooth decay is caused by the presence of an acid. Is it true or false? Ma'am, true. Very good. And reason, it can be prevented by regular brushing of teeth. Ma'am, true. So the answer is A or answer is B. आप बिकॉज लगाओ, एक्सर्शन के बाद बिकॉज लगाओ एंड देन कंप्लीट कर ली. टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड बिकॉज इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टीथ. क्या कोई सेंस बनी इसकी लाइन की? नो नो नहीं बनी. तो राइट आंसर विल बी ए और बी. बी. वेरी गुड, शाबाश. ठीक है. अच्छा आपको पता है जो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. अभी पढ़ा ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अच्छा एक आपने लेसन और पढ़ा होगा, जब आप बहुत ज्यादा भाग लो, मे बी आपने से कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होगा, कोई योगा में होगा, एक्सरसाइज अगर बहुत ज्यादा कर लो तो क्रैप्स पड़ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर. बन जाते हैं क्रैप्स. क्रैप्स मतलब किसी बॉडी पार्ट में पेन होने लग गई, कोई एक्सरसाइज करी, मे बी आपने से किसी ने फील किया. तो जहाँ क्रैक्स पड़ते हैं ना वहां पर भी एक एसिड फॉर्म होता है. ठीक है, कौन सा एसिड बनता है वहां पर? यस, विच एसिड इज फॉर्म? लैक्टिक एसिड. एसिड फॉर्म हो जाता तो वो भी हमें पेन देता है. ठीक है, और भी एसिड है. आप हमारी बॉडी के अंदर डीएनए होते हैं. डीएनए का मतलब है डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड. जो हम बोलते हैं ना हमारी शक्ल पापा जैसी है, मम्मा जैसी है, उसका पापा जैसे है, ये डीएनए के अंदर ही एक करेक्टर होता है, जीन्स. अब मे बी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं याद पता, नहीं तो आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली आएगा. डीएनए के अंदर जीन जिसके कारण हम एक दूसरे की तरह दिखते हैं, मम्मी पापा की तरह बेसिकली. ठीक है, हमारे जो बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन सबको पता है हमारी बॉडी में है, उनके वो भी एसिड से बने होते हैं, उनको भी हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स. तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितना सारा प्रोटीन और एसिड भरे हुए हैं. ठीक है, तो चलिए अब मुझे एसर्शन रीजन बताइए. ईच सेल ऑफ आवर बॉडी कंटेन्स एन एसिड दैट इज डीएनए. तो इट विल बी राइट और रॉन्ग? हर एक सेल के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी और हर एक सेल के अंदर डीएनए है. रीजन, प्रोटीन कंटेन अमीनो एसिड एंड फैट कंटेन फैटी एसिड. ट्रू इट इज ऑल्सो ट्रू. सो राइट आंसर इज ए और बी अगेन. ए. ए नहीं, ए देखो ए एंड बी. बी इज द राइट आंसर बिकॉज लगाकर देखा करो. फर्स्ट पार्ट कह रहे ईच सेल ऑफ आवर बॉडी कंटेन एन एसिड डीएनए बिकॉज प्रोटीन कंटेन अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड. ऐसा तो नहीं है ना, बिकॉज लगा के लाइन नहीं बन रही है, वो दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है. तो राइट आंसर इज अगेन बी. बी इज द राइट ऑप्शन. चलिए केस स्टडी देखने पर जल्दी से. अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री. फैब्रिक्स नहीं है बेटा, ये फैक्ट्रीज होगा. वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज इज थ्रोन इनटू द रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज व्हिच इज वेरी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. गवर्नमेंट मस्ट मेक सम रूल फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हिच टाइप ऑफ वेस्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम? मैसेज. दिस वेस्ट इज harmful for aquatic life because it makes water acidic. It makes water acidic. It also increases the temperature of water. बेटा, right answer will be D. Water का temperature भी rise होता है जब कोई waste add होता है किसी में. ठीक है? Temperature भी change होता है. Rise थोड़ा सा rise होता है, but वो aquatic life के लिए dangerous. जैसे अब हमारे सपोज करो 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा और थोड़ा सा राइज हो जाए 32 भी हो जाए तो हमें गर्मी फील होने लग जाएगी सर. ठीक है, एक डिग्री दो डिग्री टेम्परेचर राइज होने से भी हमें पसीना आने लग जाएगा. ठीक है, वी स्टार्ट स्वेटिंग. इज दैट क्लियर?
32 पे तो नहीं होगा, ये 40 42 3 की बात हो रही है, इतने टेम्परेचर पर जाकर स्टार्ट होगा, बट एक दो डिग्री से भी वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाते हैं. नाउ 30th क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक मस्ट बी डन टू दिस वेस्ट बिफोर थ्रोइंग इट इन टू द रिवर? इस वेस्ट को बेसिक सब्सटेंसेस, वेरी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो फैक्ट्री से भी सब्सटेंस निकलते हैं, वेस्ट निकलता है, वो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एसिड, बहुत बार एसिड होता है. तो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें क्या डालना पड़ेगा? तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज. न्यूट्रलाइज, समझ रहे हैं बेटा? yes. चलिए क्वेश्चन नंबर 20th, चलिए जल्दी से करें, एक बार देख लें 20th क्वेश्चन. द गिवन फिगर शोज द कलर चेंजेस इन टेस्ट ट्यूब्स 1, 2, and 3 व्हेन चाइना रोज इंडिकेटर इज एडेड टू देम. द रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस इन टेस्ट ट्यूब 1, 2, and 3 आर. अगर चाइना रोज सॉल्यूशन यूज किया तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें मजेंटा कलर आ रहा है. मजेंटा कलर कब आएगा? किसके प्रेजेंस? एसिड का, बेस का, या फिर न्यूट्रल का? सेवेंथ डी, कोई मुझे लास्ट में से बताइए जरा सेवेंथ डी का. नैतिक शर्मा अगर है तो, प्रेजेंट है तो, नैतिक शर्मा, यस बेटा. न्यूट्रल, मजेंटा इज न्यूट्रल. अच्छा, जब नो कलर चेंज लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, शीट देखो किसी के लेकर बेटा. मजेंटा कलर चाइना रोज मजेंटा कलर कब देता है? एसिड, एसिड देता है बेटा. चाइना रोज जो हिबिस्कस कल फ्लावर वाली मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, याद है आपको, जो फ्लावर वाली स्लाइड उसमें जो एसिड होगा वो चाइना रोज की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? डार्क रेड या मजेंटा कलर का होता है, ठीक है, डार्क पिंक सॉरी. अगर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ फिर वो कौन से कलर का रहेगा? मतलब चाइना रोज का जो अपना कलर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है. और ग्रीन किसके प्रेजेंस में हो जाता है? वेरी गुड, शाबाश. ए बी सी डी, राइट ऑप्शन कौन सी होगी बेटा? डी 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 डी. लाइम जूस, लाइम वाटर होता तो ये बेस होता, लाइम जूस जो है वो एसिड होता है, ठीक है. लाइम जूस इज एसिड, शुगर सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, लाइम वाटर ये क्या है? बेस. बेस. लाइम वाटर भी है, लाइम जूस भी है. लाइम जूस एसिड एंड लाइम वाटर इज बेस, ठीक है. अदरवाइज ये क्वेश्चन सिंपल था बहुत, मैंने सिर्फ इसकी ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए आपको समझाया ये क्वेश्चन, ठीक है. नैतिक बेटा चले जाओ सीट पे वापस, गो बैक टू सी. चलिए आगे 22 क्वेश्चन देख लेते हैं डायग्राम वाला. चलिए, इन द फिगर एक्स और वाई को आपने आइडेंटिफाई करना, ठीक है. एक्स और वाई को आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना. ऐसे बना हुआ है, एक एक्स है, यहाँ पर बना हुआ है वाई, और यहाँ पर आपको बोल रहे हैं येलो, ये येलो कलर का, और यहां से बन रहा है रेड, ठीक है. और क्या बताया? ये दो चीजें जो भी है, जो भी ये दो चीजें हैं वो कंबाइंड होकर क्या दे रही है? COSO4 प्लस H2O. नाउ व्हाट इज दिस COSO4? CU फॉर, CU इज कॉपर. कॉपर, कॉपर. एंड SO4 क्या होता है? SO4 इज सल्फेट. तो ये क्या बना? कॉपर सल्फेट, सल्फेट, ठीक है बेटा. तो ये आ गया आपका वाटर. तो अभी हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई, यहाँ जो कलर जो इंडिकेटर यूज किया गया दैट इज मिथाइल ऑरेंज, और यहाँ भी जो इंडिकेटर यूज किया गया है दैट इज मिथाइल ऑरेंज, राइट बेटा.
इज दैट क्लियर? अब मुझे ये बताओ, मिथाइल ऑरेंज दो कलर देता है, एक बार रेड देता है और एक बार येलो देता है, रेड कब देता है? मिथाइल ऑरेंज विल गिव रेड कलर किसके साथ? यस, जब एसिड हो। एसिड। वेरी गुड। और कौन सा कलर देते हैं? येलो कलर देता है जब बेस। ठीक है, अब समझो इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे एक एक्स सब्सटेंस है जो कि मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में येलो कलर दे रहा है, तो एक्स क्या होगा हमारा? एसिड या बेस? बेस। यहाँ कोई बेस होगा। अब ये वाई सब्सटेंस मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में रेड कलर दे रहा है, रेड कलर आया, रेड कलर कौन देता है? अब मुझे ये बताओ ऑप्शंस में से ढूंढकर कि एक्स की जगह बेस चाहिए और वाई की जगह एसिड चाहिए, तो कौन सा आंसर राइट होगा? एक्स की जगह बेस और सी ऑप्शन। बेटा अगर आप सी लेते हो ऑप्शन तो उसमें लिखो मैम ए ऑप्शन। COOH इज नॉट द राइट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बेटा राइट आंसर इज ए। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड मैंने अभी आपको लिस्ट लिखवाई थी ना बेस की, उसमें COO भी लिखा था हमने, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज अ बेस एंड H2SO4 भी लिखवाया था मैंने आपको, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चे? तो एक्स इज बेस, वाई इज एसिड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से रीड करके मुझे आंसर बताइए, रघु क्या करेगा? यस बेटा, कौन बोला मैम? मैम सेवेंथ डी। सेवेंथ डी, ओके। सेकंड बेंच, मिडिल वाली रो में सेकंड बेंच पे जिसका हैंड रेज है बेटा। हां जी बेटा, राइट आंसर विल बी मैम रघु ऑर्गेनिक लाइम और राम ऑर्गेनिक मेटल मैम। ये सेवेंथ ही कौन बताएगा? कमिंग साइड ऑफ द माइक मैम रघु। रघु यूज्ड एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर इन हिज फील्ड व्हाइल रमन फाउंड द सॉइल ऑफ हिज फील्ड टू बी बेसिक इन नेचर। रमन को क्या करना पड़ेगा उसकी सॉइल बेसिक है? मैं क्विक लाइम एंड यू क्विक लाइम एंड रमन ऑर्गेनिक मैटर। यस, बेसिक वाले को ऑर्गेनिक मैटर और फर्स्ट वाले को रघु को क्विक लाइम, सॉइल एसिडिक है उसको बेस डालना पड़ेगा, तो राइट आंसर विल बी बी। राइट आंसर विल बी बी। 23rd का राइट आंसर इज बी। इज दैट क्लियर? यस। तो बेटा आई थिंक आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है कंप्लीट, ठीक है? ऑल द क्वेश्चंस आर डन। अगर एक कोई आधा कोई रह भी गया होगा ना, तो क्वेश्चंस को देख, आर वेरी सिंपल, आप ट्राई कर लेना। अगर नहीं हुए तो प्लीज आस्क योर टीचर, वो मैम से बात कर लेंगे यहाँ पे। आई विल टेक योर क्लास फॉर 5 to 10 मिनट्स फॉर योर डाउट्स। ठीक है बच्चे? इज इट क्लियर? मैम यस। चलिए, सो बाय एवरीवन नाउ। बाय मैम। टेक केयर। बाय मैम। बाय मैम। टेक केयर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक्स फॉर बाय बेटा, बाय बाय।